विशाल पंजाबी एक सेलिब्रिटी वेडिंग फिल्म मेकर हैं। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण से लेकर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा की शादी को उन्होंने शूट किया था। बीते कुछ दिनों से विशाल लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने शाहरुख खान के बारे में बात की। बताया कि जब वो लंदन में रहते थे तब उन्होंने शाहरुख को लेटर लिखा और फिर उनके साथ काम करने लगे। डीजे सिम्स नाम के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में विशाल ने बताया, मैं शाहरुख खान के साथ काम करना चाहता था, मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी और मुझे काम मिल गया। मेरे दोस्तों को यकीन नहीं हुआ कि मैं शाहरुख के साथ काम करने वाला हूँ। वो उस समय एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले थे, वो बॉलीवुड पोर्टल बनाने वाले थे और चाहते थे कि उसे कोई डिजाइन करे। मैं तब एक कूल डिजाइनर था, मैंने कुछ वेबसाइट भी बनाई थी। शाहरुख ने मुझे खोज लिया, पहला मौका मिलते ही मैं वहां पहुंच गया। विशाल ने बताया कि वो तब 19 साल के थे, 6 महीने पहले ही कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन जैसे ही उन्हें शाहरुख के साथ काम करने का मौका मिला उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने शाहरुख के साथ काम करने के अनुभव के बारे में बताया, शाहरुख बहुत अच्छे मेंटोर थे, सिनेमा के बारे में मुझे सब कुछ सिखाया। मैंने उनके साथ करीब 10 साल तक काम किया, उसके बाद मैंने अपनी कंपनी शुरू की। मेरे 3 मेंटोर थे, शाहरुख, फराह खान और संतोष सिवन। शुरुआत में मैं डिजाइनर था, शाहरुख की जिस कंपनी के लिए मैंने डिजाइन किया था वो 6 महीने में ही बंद हो गई, कंपनी में आर्थिक समस्या हो गई थी। उसके बाद मैंने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया, मैंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। बाद में मेरी डिजाइन स्किल काम आने लगी क्योंकि मैंने उनके लिए विजुअल इफेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने शाहरुख की 3-4 फिल्मों के लिए काम किया। आगे विशाल ने शाहरुख के एडिटिंग स्किल्स पर बात की। उन्होंने कहा, मैंने अपने करियर में जितने भी एडिटर्स के साथ काम किया है, शाहरुख खान बेस्ट एडिटर्स में से एक हैं। वो जितनी भी फिल्में शूट करते हैं या उनमें एक्टिंग करते हैं, उन सभी को वो खुद एडिट करते हैं। वो एडिटर के साथ बैठकर हर एक सीन पर काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। बता दें कि फिलहाल शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म किंग की तैयारी में व्यस्त हैं। इस एक्शन फिल्म में सुहाना खान भी उनके साथ आएंगी। हाल ही में खबर आई थी कि अभिषेक बच्चन फिल्म के विलेन होंगे। पिंकफिला की रिपोर्ट की माने तो अभिषेक बच्चन एकलौते विलेन नहीं होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बच्चन तो फिल्म में मेन विलेन होंगे ही, उनके अलावा फिल्म में मल्टीपल विलेन्स होंगे। अभी इन नेगेटिव रोल्स को प्ले करने के लिए कास्ट को फाइनल नहीं किया गया है। टीम लगातार इस पर काम कर रही है और एक्टर्स की तलाश भी जारी है। एक बार जब सारे नेगेटिव किरदार निभाने वाले एक्टर्स को फाइनल कर लिया जाएगा तो नवंबर तक ये फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी। किंग को सुजॉय घोष डायरेक्ट करेंगे, वहीं सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म के एक्शन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। मेकर्स का प्लान है कि 2025 में किंग को रिलीज कर दिया जाए। आपके लिए खबर को लिखा है हमारे साथी यमन ने, मेरा नाम है विभावरी। एंटरटेनमेंट की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा, फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।